આપ જોઈ રહ્યા છો સ્ટાર ન્યૂઝ ગુજરાતી લાઈવ। વિધાનસભાની ચૂંટણીનો માહોલ જામી રહ્યો છે, તેમ તેમ ઉમેદવારો પણ એડી ચોટીનું જોર પ્રચાર પ્રસારમાં લગાવી રહ્યા છે। ત્યારે જામનગર ખાતે નાના બાળકો દ્વારા ભાજપ ઉમેદવાર રીવાબા જાડેજા પ્રચાર કરાવતા હોવાના આક્ષેપ સાથે તીખી પ્રતિક્રિયાઓ આપી હતી। જામનગર ખાતે રવિન્દ્રસિંહ જાડેજાના બહેન નૈનાબા જાડેજા દ્વારા ભાજપના ઉમેદવારના ભાભી રીવાબા જાડેજા પર ચૂંટણી પ્રચાર દરમિયાન ક્રિકેટ બંગલામાં પ્રેક્ટિસ કરવા આવતા આશરે 8-15 વર્ષના નાના બાળકો અને બાળાઓનો ઉપયોગ કરવાનો ગંભીર આરોપ લગાવવામાં આવ્યો છે અને જો તે ગેરકાયદેસર હોય તો આ બાબતે કાર્યવાહી કરવા અને ગુનો દાખલ કરવા ચૂંટણી પંચને રજૂઆત કરવામાં આવી હતી, જેને લઈ તેઓ દ્વારા પત્રકારોને માહિતી આપવામાં આવી હતી। આવો જોઈએ શું કહ્યું નૈનાબા જાડેજાએ। हमने आरोप नहीं लगाए हैं, हम हमेशा सत्य की बात करते हैं। आज हमने वही किया है। वो बार बार कहते हैं कि मेरा काम देखो, काम देखो, और मैं यहीं रहती हूँ। तो अभी तक अगर आप यहीं से हैं, यहीं से बिलोंग करते हैं, तो आपने अभी तक अपना नाम चेंज नहीं किया, आपने अपना एड्रेस चेंज नहीं किया, आधार कार्ड चेंज नहीं किया, और मेरे ख्याल से वोटिंग कार्ड भी आपने अभी तक चेंज नहीं किया है। तो वही बात हमने प्रेस को बताई है कि अभी भी उसका वोटिंग कार्ड है, राजकोट पश्चिम से है। अगर वो खुद को ही वोट नहीं कर रही है तो आम जनता से आप वोट की अपील क्यों कर रहे हैं, आप क्यों अपेक्षा कर रहे हो? देखिए, कल हमें पता चला कि अपने प्रचार में छोटे बच्चों को साथ लेकर जाती है, जो मेरे ख्याल से 10 साल से भी कम उम्र के बच्चे हैं। तो आपको क्या इतनी दिक्कत आ गई है कि आपको अपने प्रचार के लिए लोग नहीं मिल रहे हैं, या आपके साथ कोई लोग नहीं जुड़ रहे हैं जो आपको बच्चों का सहारा लेना पड़ रहा है? और मेरे ख्याल से उनको क्या नहीं पता है कि ये बाल मजदूरी के तौर पर ही लिया जाता है? तो आप बच्चों से अपना प्रचार करा रहे हैं, इनका मतलब क्या है? क्या आप चाहते हैं कि बच्चों का भविष्य ऐसे बाल मजदूरी में बीते? इलेक्शन पंच को हमने इन्फॉर्म किया है, हमने कंप्लेन दायर की है कि आप इनके लिए कुछ एक्शन लीजिए। अभी देखना यह है कि क्या इलेक्शन पंच है वो तटस्थ रहे कि उनके खिलाफ कोई एक्शन ले रहा है, या ऐसे ही चलता रहेगा। देखिए, रणनीति कभी बताई नहीं जाती, बाकी जो हमारे पास है वो हम आपको साझा कर रहे हैं, और आगे भी जो भी सत्य होगा वो हम आपको जरूर बताएंगे।